अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GarhIAS एंड PSC क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मंडे है, यह सप्ताह का पहला दिन होता है, तो आज हम मंडे को 15 जून का द हिंदू का जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की एक जो सबसे ज़्यादा न्यूज खबर में है, आपने भी देखा होगा कि जो बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, तो मुंबई में उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनकी डेथ हो गई है। तो एक नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, बहुत ही दुख की बात है। 36 ईयर के थे वो, ठीक है, और उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। अपन आगे इनको इस न्यूज़ को अपन आगे डिटेल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन द हिंदू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है आज की, इन द पेंडेमिक द डिसेबल्ड रिमेन एन इनविजिबल माइनॉरिटी। ठीक है, यहाँ पर डिसेबल लोगों की बात की जा रही है, जो विकलांग है, डिसेबल्ड है, ठीक है, जो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अभी लास्ट ईयर जो हमारे देश के PM हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डिसेबल्ड हैं उन लोगों को दिव्यांग की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, देखो एक्चुअली क्या, जो एबल रहता है, ठीक है, जो विकलांग नहीं है, तो वो तो कोई ना कोई काम तो कर ही सकता है। ठीक है, कोई भी जॉब कर सकता है या फिर कोई भी अपना रोज़गार कर सकता है जिससे अपनी दिनचर्या कर सके, ठीक है, अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन जो डिसेबल्ड है उनके लिए तो जॉब में रहता है थोड़ा बहुत रिजर्वेशन वगैरह, लेकिन इसके अलावा भी यदि अब इस समय जॉब का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कोरोना के कारण, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, इनको एक बोल रहे हैं कि इनको माइनॉरिटी के अंदर डाला जाए। ठीक है, यानी माइनॉरिटी के बोलते हैं अल्पसंख्यक, ठीक है, तो अल्पसंख्यक में डालने की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही दोस्तों, इंडिया राइजेस इन केस ऑफ थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे कंट्री हैज़ बिन एडिंग 11,000 प्लस केसेस एंड ओवर 300 डेथ डेली, न्यू हाई इन महाराष्ट्र डेल्टी। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो यहाँ पर 300 जो है, यहाँ पे जो केसेस जो हैं 11,000 और 300 डेथेज यहाँ पे डेली पे हो रही है, न्यू हाई इन महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोरोना का ग्राफ है वो यहाँ पे शो किया गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में, ठीक, देखो यहाँ पे तीन है, ठीक है, एक है रेड जोन है, ठीक है, एक है येलो और एक है ग्रीन। रेड में, ठीक है, ज़्यादा कोई ज़्यादा केसेस हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, फिर येलो में थोड़ा सा कम है और ग्रीन में नॉर्मल है। ठीक है, तीन यहाँ पे ग्राफ हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम रेड जोन में देखते हैं तो हमारा तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा। ठीक है, तो ये कंट्री हमारी जो किस में है, तो ये कंट्री है हमारी दोनों, ये कंट्री दोस्तों हमारी, ये हमारी रेड जोन में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, ये रेड जोन वाली। इसके बाद हम देखते हैं तो ग्रीन जोन में, तो ग्रीन जोन में भी केरला, असम, MP, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक, ये हमारे जो हैं ये हमारे ग्रीन जोन में, यानी कि इनमें ज़्यादातर केसेस नहीं, केसेस मतलब कम। येलो में देखेंगे दोस्तों तो महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, झारखंड एंड UP एंड राजस्थान, ठीक, ये येलो में, यानी कि ये मीडियम वाले, यानी कि अपन रेड, येलो, ग्रीन को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक, तो जो येलो वाली कैटेगरी है वो मिड की है, ठीक है, और ये सबसे स्लो वाली, स्मॉल वाली और ये हाई वाली। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो न्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, अब एक अमित शाह की न्यूज आई है। अमित शाह जी जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, टेस्टिंग टू बी रैम्प्ड अप इन द कैपिटल, चेस अमित शाह। अमित शाह का कहना है कि जो कैपिटल है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री चेयरमैन द कैपिटल, तो उसमें जो बात की जा रही है, एक्चुअली हुआ क्या, जो दिल्ली जो गवर्नमेंट है, दिल्ली में इस समय क्या है कि वहाँ की स्थिति जो है गंभीरली रूप लेते जा रहा है। ठीक है, और जो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल वहाँ के CM है, वो हालातों को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
और वहाँ के जो एलजी हैं, उपराज्यपाल जो होते हैं, तो वहाँ की जो जो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अमित शाह जी यहाँ पे सामने आ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, एक मिनट दोस्तों, यहाँ से निकल के आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से जो आई है हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, श्री राजनाथ सिंह, तो उन्होंने कहा है चाइना हैज़ प्रिफर्ड टॉक राजस्थान, ठीक है, कि जो चाइना जो है प्रीफर करे हम उनसे बात करने के लिए तैयार है। मिनिस्ट्री सेज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल ओपन टू रिसॉल्व लद्दाख स्टैंड ऑफ, ठीक है, उनका कहना है कि जो लद्दाख वाला जो है, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक चैनल जो ऊपर यहाँ पर जो लद्दाख है इसको ये रिसॉल्व करने की बात करें, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो हमारा ये भारत का मैप है, ठीक है, ये वाले रीजन में हमारा जे एंड के है, ठीक है, ये हमारा जे एंड के है, और ये वाला रीजन जो हमारा, ये हमारा लद्दाख का, ठीक है, और यहाँ पे चाइना है, ठीक है, ठीक है, तो चाइना है पे, तो यहाँ से ये जो ये वाला रीजन जो है काफ़ी इसमें डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, इस डिस्प्यूट के चलते राजनाथ सिंह जी का कहना है कि ये वाला रीजन, ठीक है, कि हम उनसे सीधे सीधे लद्दाख के मैटर में बात करने के लिए तैयार है, वो हमसे बात करें, ठीक है दोस्तों, अभी मतलब गर्मा गर्मी चली रही है वो वाले मैटर में। नेक्स्ट दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ दोस्तों निकल के यहाँ पर आ रही है, आप यहाँ पे देखिए, हाँ ये न्यूज़ दोस्तों, ICMR स्टडी प्लॉट्स मिड नवंबर पीक। दोस्तों ये जो न्यूज है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, ठीक है, ICMR स्टडी, जो ICMR है उनकी जो स्टडी, उनने स्टडी करी है, तो उन्हें बोला है कि जो COVID-19 है वो नवंबर के माह तक पीक में, यानी कि सबसे उच्च स्थिति में पहुंचने की यहाँ पे बात की जा रही है। रिसर्चर वन ऑफ शॉर्टेड इन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर, उनका कहना है कि रिसर्च बोलते हैं कि ICU और बेड तथा वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाली है। द पीक स्टेज ऑफ COVID-19 इन इंडिया हैज बीन डिलेड बाय द 8-week लॉकडाउन अलॉन्ग विथ स्ट्रेन पब्लिक हेल्थ मेजर, एंड इट मे नाउ अराइव अराउंड मिड नवंबर वेन अ पीसी ऑफ आइसोलेशन एंड ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स कैन अराइज अ स्टडी से, ठीक है, स्टडी से मानना है कि जो यहाँ वेंटिलेटर की और बेड्स की ICU बेड की व्यवस्था कर लेंगे ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का मेरा भी आप लोगों से ये कहना है दोस्तों, घर में रहिए, घर में रह के आप स्टडी करिए अपना जो भी, क्योंकि बाहर निकलने से कोई मतलब नहीं है, देख रहे हैं कि हालत कैसे ख़राब है, अपने माँ बाप की सेवा करिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, एक आर्टिकल आया है दोस्तों, प्राइस ऑफ एडमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखो जो कोरोना का दोस्तों इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है दोस्तों, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। अब गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल में दोस्तों क्या रहता है दोस्तों, जैसे आप भी न्यूज़ में देख रहे हैं, कहीं इन्वायरी कहीं फैन ऑन नहीं चल रहा, खाना ठीक से नहीं मिल रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब उनकी भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इतने सारे पेशेंट हैं, तो वो उनको कहाँ से इतने सारे संभाल पाएंगे, सबको अपने हिसाब से वो टाइमिंग देंगे, अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। और यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट फैसिलिटी तो है, लेकिन अपन को यहाँ पर पैसा देना पड़ता है, पैसा अपना तो लगता है, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोस्पेक्ट दोनों हॉस्पिटलों के हैं। इसलिए दोस्तों आप, मैं तो कहता हूँ आप घर पे रहो, ठीक है, और यदि बाहर जाते हो तो अपने आप को सैनिटाइज़ करो, हाथों को सैनिटाइज़ करो, मास्क लगाओ, ताकि ना आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़े और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़े, आप घर में ही सेफ रहिए, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ एडमिशन विद द रेट्स ऑफ मेडिकल प्रोसीजर नॉट कैप्ड इन दिल्ली एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट बीइंग सेव्ड एंड एग्रोबियंट बिल्स बाय प्राइवेट हॉस्पिटल कम हाई टू हाई, ठीक है। इनका कहना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल को जो मैंने बताया जैसे कि पैसे की बात,
वहाँ के जो बिल जो बहुत हाई रेट रेट वहाँ के ले रहे हैं लोग, ठीक है। तो दोस्तों बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जो कुछ दिया हमको आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा आर्टिकल है ये। फिर दोस्तों एक डेली की न्यूज आ रही दोस्तों, ओपन बुक एग्जाम ड्यू टू रिटर्न टू प्रिंसिपल, द डी यू टीचर एसोसिएशन डी यू टी ए, ठीक है, जो दिल्ली के जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, ठीक है, तो वो उनके एक एसोसिएशन है, तो उन लोगों का कहना है कि संडे ब्रॉड टू प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलिंग अपॉन देम टू इंटरवेन इन द कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन ओ बी ई इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड देयर इंस्टीट्यूशन फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट कॉलेजेस विल बी कंडक्टिंग मॉक ओ बी द यूनियन। मतलब इनका कहना है दोस्तों कि जो दिल्ली में जो है, जो देखो एक्चुअली क्या, वो कोविड के चलते जो एग्ज़ाम तो इतनी स्टडी तो हो नहीं पाई है, ठीक है, तो वहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही। टू सिक्योरिटी गार्ड बेटन टू डेथ विथ स्टैक इन नरेला, इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज भी निकल कर रही दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों ये न्यूज निकल कर रही है, इसकी कैपिटल टॉल क्लाइम्स टू अ न्यू हाई, 56 डेथ ओवर 2000 केस, 2000 केसेस में 56 लोगों क्या हो चुकी है कोविड के चलते डेथ हो चुकी है, कोविड की ही न्यूज है। फिर जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको मैंने बताया था, हमारे होम मिनिस्टर और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बारे में यहाँ पर मीटअप की बात की जा रही है। मीटिंग बिटवीन शाह एंड केजरीवाल अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज सेज कांग्रेस, ठीक है, जो उनके बीच में मीटिंग हो रही है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो कांग्रेस का कहना है कि जो उनके बीच में जो मीटिंग है तो उनको कांग्रेस वाले पॉइंटलेस कह रहे हैं, ठीक है, कि पॉइंटलेस एक्सरसाइज, मतलब ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कोई पॉइंट नहीं है। लेटर रिटर्न टू सीएम हैव गॉन अनआंसर्ड शेष कुमार, ठीक, कुमार कहना है कि जो उन्होंने लेटर में लिखा है, ठीक, उसमें कोई बात ऐसी नहीं की गई जिसमें बीच में दोनों में शॉर्ट आउट हुई दिल्ली की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, ठीक, प्रॉब्लम को जो शॉर्ट आउट करने की बात की जा रही है। ये न्यूज़ दोस्तों ये है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, उतना ज़्यादा कोई है नहीं इसमें, है ना। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो निकल कर रही है, दोस्तों वर्करों के दोस्तों एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू टैकल हंगर हैव बीन इंडिक्वेट रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन सर्वे ऑन ग्राउंड टॉक विथ वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स हैं जो घर अपने जाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि कई लोग को यहाँ पे जैसे जॉबलेस जो हो गए हैं तो अपने घरों जा रहे हैं क्योंकि भूख का कारण उनका कारण बता रहे थे। आप देख रहे हैं कि गाड़ी गाड़ी ट्रक खड़ा है, उस पर कैसे भीड़ की जैसे यहाँ पे एक जैसे लोग चढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, ना तो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, ना तो मास्क लगाया है, ना ही सैनिटाइजर की फैसिलिटीज़ है। आप देख सकते हैं कोविड का ये लोग कैसे उल्लंघन कर रहे हैं। यही तो है दोस्तों अपने देश में कोविड हमारा क्या होता है, एक बहुत बृहद आकार लेते जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पे न्यूज निकल करी, एमएसएमई वेट फॉर वर्कर्स डिमांड स्लम्स पोस्ट लॉकडाउन, ठीक है, जो एमएसएमई है दोस्तों एमएसएमई की बढ़ाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। एमएसएमई क्या होते हैं, कुटीर उद्योग जिनको बोलते हैं। थाउजेंड ऑफ जॉब्स फीचर लॉस्टर ऑनर फेल टू पे सैलरीज, ठीक है, उनको सैलरीज पे करके वहाँ पर जैसे आ कार्डबोर्ड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलॉन्ग डबुआ पाली रोड इन फरीदाबाद, ये फरीदाबाद की है कि यहाँ पे जो एमएसएमई जो है, ठीक है, एमएसएमई का यहाँ पे वेट किया जा रहा है कि यहाँ जिससे कार्ड को एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी थी जितनी फैक्ट्रीज थी इंडस्ट्रीज थी तो वो कहाँ चले गए, सब जितने वहाँ पे वर्कर्स थे तो चले गए घर लॉकडाउन के चलते। अब वहाँ पे क्या है, मजबूरों की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पे करे कौन, काम करने वाला कोई व्यक्ति तो चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे उनका वेट किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल जो आया है, द नीड फॉर एन एंटी डिक्रीमेंटन मेंशन लॉ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन लॉ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ऐसा लॉ बनाया जाना चाहिए, ठीक है, इंडिया इज़ अ यूनिक अमोंग डेमोक्रेटिक इन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू क्वालिटी इज नॉट बैक टू कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, ठीक है। हमारे ये यहाँ पे जो सुहृत पार्थ सार्थ हैं, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की हमारे यहाँ जो है क्या है नीड है, एक हमारे यहाँ एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनना चाहिए। इंडिया कैसे दोस्तों, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक कंट्री है। यहाँ पे जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो इक्वलिटी जो होती है, तो वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन लेजिस्लेशन होता है उसके लिए इफेक्टिव होती नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ होना चाहिए ताकि किसी भी मुद्दे पर यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये नहीं बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ने के बाद जो समझ में आया कमेंट में अपनी सुन कीजिएगा। फिर दोस्तों एक यहाँ पे न्यूज निकल के आ रहा है, दूसरा जो आर्टिकल हमारा, नो लॉन्गर स्पेशल, इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिजर्व द रिसेंट सेटबैक टू टाई, ठीक है। यहाँ बोलना दोस्तों कि जो इंडिया और नेपाल की मैंने कल के न्यूज़पेपर में डिस्प्यूट था, वो मैपिंग उन्होंने जारी कर दिया है ना, उसके बारे में मैंने आप लोग से चर्चा करी थी। तो इंडिया नेपाल जो उनकी जो नीड है टू मूव क्विकली टू रिजर्व द रिसेंट स्टेबैक टू, मतलब जो वह अब इंडिया और नेपाल की जो आवश्यकता है, ठीक है, उनमें क्या है, उनमें टाई होने की बात की जा रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंगशिप इंडिया एंड नेपाल हैव ब्रॉड देयर रिलेशन टू द एज ऑफ अ प्रिंसिपल द ऑयल पॉली गवर्नमेंट डिसीजन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेफरिंग अ चेंज इन इट्स मैप, ठीक है। उन्होंने वही न्यूज़ निकल के आ रही है, उन्होंने क्या किया है अपने मैपिंग में चेंज की है ओली गवर्नमेंट्स, ठीक है, वहाँ पे ओली की सरकार है, ठीक, टू पास द कॉन्स्टिट्यूशन मैप्स द इंक्लूडेड, यहाँ पे जो मैंने कल में मैप में ही मेंशन किया था, लुपुलेख कालापानी एंड लिम्फिदेडी टेरिटरीज दैट इंडिया कंट्रोल मार्का डिसाइडली न्यू फेस इन टाई, ठीक है। विल द इशू इन एन ओल्ड वन इन रिफेस्ड इन 2019 when New Delhi published new political maps to reflect the changes. Following the decision on 5 August 5 to recognize the state of J&K, Jammu and Kashmir and Nepal objected to the decision of disputed territory in 2000 and 2014. India's and Nepal arranged to hold talk about Kalapani Susta, ठीक है। यहाँ पे इंडिया और जहाँ पे दिल्ली की गवर्नमेंट है J&K की, यहाँ पे काफ़ी उन्होंने आपस में चर्चा करी है, ठीक है। फिर इसके बाद भी यहाँ पे जो उन्होंने बोल रहा है कि हमने ये निर्णय लिया है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इंडिया नेपाल के डिस्प्यूट और रिलेशन के लिए, जैसे मैंने पहले बनाया था। यहाँ पे दोस्तों एक सेकंड केजरीवाल को लेकर के यहाँ पे जो है वर्की जी जॉर्ज ने इन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है, द एमर्ज ऑफ द रियल केजरीवाल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर टू लॉन्गर नीड्स हु हेल्ड हिम एट द बेकन ऑफ न्यू पॉलिसीज, ठीक है। उनका मानना है कि जो केजरीवाल जी हैं बहुत बदल चुके हैं, हमको रियल केजरीवाल की ज़रूरत है, ठीक, क्योंकि एक्चुअली क्या जो डेली या जो डेली की जो कंडीशन है इस समय, तो आप देख सकते हैं डेली की कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ क्रिटिकल होते जा रही है, ठीक है। केजरीवाल ने बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिसीजन लिए जिसके चलते वो चर्चा में रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी काफ़ी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ठीक है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन को सही कर नहीं पा रहा, इसलिए अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये भी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों डेली व्यू पर, इसको भी आप पढ़िएगा। फिर दोस्तों इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो होती है, मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड 19, ठीक। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अभी ज़्यादा चल ही नहीं, चल तो रहे ही नहीं, लेकिन जो भी यदि चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनमें अपने को क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा सेफली से रहना है, क्योंकि कोविड 19 पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा होता है। एक्चुअली कोविड होता कैसे दोस्तों, जैसे कोई यदि यहाँ पे नीज कर रहा है, ठीक, खांस रहा है, भी अपने मास्क लगाया नहीं। कल हमने बताया भी था कि जो एक विशेषज्ञों का मानना है कि
मार्क्स जो है, एक रिपोर्ट आई थी कि चार पांच जो पर्सन्स थे, ठीक है, उन्होंने मार्क्स लगाया हुआ था और वो दो तीन लोगों के संक्रमित संपर्क में आए, लेकिन वो मार्क्स के कारण उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। इसलिए मास्क जो बेस्ट है, तो मास्क लगाएं आप, ठीक है। मास्क यदि आपके पास नहीं हो पाए तो कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर सूती कोई रुमाल हो, गमछा हो, तो आप अपने उसको मुंह से ढक कर रखें, जिससे कोई भी वायरस कीटाणु आपके अंदर रह आए और आपको इन्फेक्शन आप इन्फेक्शन होने से आप बच सकें। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अपन उसको देखते हैं। यहाँ पे एक दोस्तों उन्होंने बनाया है, प्लीज़ फॉलो पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ये पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट किया कि यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक कोई भी पॉलिटिकल लीडर को रख दिया, यहाँ पे जो बीजेपी का साइन है कमल, ठीक है, लोटस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, अपन उसको करते हैं। तमिलनाडु रिकॉर्ड 38 न्यू डेथ टू वायरस। कल भी दोस्तों मैंने ग्राफ बताया था इसका, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है, जहाँ भी अभी भी जो प्लस पॉइंट जो जहाँ पे हो रहा है, मैंने बताया भी अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, उसमें तमिलनाडु जो है वह सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पर इसको देखने को हमको मिले हैं, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, सबसे लो केसेस है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई केसेस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये साउथ का रीजन है दोस्तों। यहाँ पे टू व्हीलर ऑन द रोड ड्यूरिंग इन प्लकार्ड ऑन संडे द इंडिया दोस्तों, उसका है कि मानसून हमारे यहाँ आ गया है, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जो न्यूज है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट का जो द्वार दोस्तों ST2 एक्सटर्नल वर्चुअल कोर्ट सिस्टम एमेड कोविड-19 फेस्टिंग, कोविड-19 के चलते जो हमारे यहाँ के जो कोर्ट्स हैं उनके भी बहुत ज़्यादा जो निर्णय हैं, ठीक है, नहीं हो पा रहे हैं, फैसले नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उन्हें वर्चुअल कोर्ट की बनाने की मांग करें, ठीक है। वर्चुअल कोर्ट में बन जाएंगे, जिसमें वर्चुअल कोर्ट में वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाएगा और वहाँ पर जो है निर्णय लेने में हमको आसानी होगी, ठीक है। तो कोविड के चलते वर्चुअल कोर्ट की बनाने की मांग यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे निकल रही है, थर्ड स्टेट से टू रिप्ले टू लेबर लॉ चेंज, ठीक है। जो लेबर का जो लॉ है, ठीक है, उसमें चेंजेस करने की बात की जा रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर हेड शॉर्ट इन्फो एंड अमेंडमेंट्स ब्रॉट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। लॉकडाउन के चलते जो लेबर से, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है, ठीक है। एक तो उनके पास जॉब है नहीं, ठीक है, सारी जॉबों की उनकी जॉब छिन चुकी है, क्योंकि कोविड के चलते जहाँ जहाँ पर वो माइग्रेट किए थे वहाँ से अपने स्थान से माइग्रेट करके अपने अपने गाँवों को आ चुके हैं, गाँव में रोजगार है नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे लो लीवर का जो लो है उसको चेंज करने की भी बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट दोस्त फिर दोस्तों, तो कल मैंने 32 को डिस्कस कर लिया था, कांग्रेस MLA स्टेप पुट ऑन जयपुर होटल, ठीक है, वहाँ के जो MLA उनको जयपुर के होटल में पुट कर रख दिया गया है। जो जमात थे ना जिन्होंने कोरोना को थोड़ा सा ग्रो कराया था, जमाती चैलेंजेस प्लेयर इन सुप्रीम कोर्ट ओवर लॉ ऑन प्लेस ऑफ वर्शिप, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि जो हमको हमारी वर्शिप करने शुरू कर जा रहा है, ठीक है, जैसे वो जमात करने के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं, एकजुट होकर के अपने जो उनकी होती है पूजा वगैरह तो करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उनके मुद्दे पर क्या चर्चा करता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे दोस्तों बताया गया इन सैनकोनोनी टेक्नोलॉजी
यहाँ पे ऐसे ट्राईपोड आता है, जैसे आपके पास कुछ नहीं तो आप ट्राईपोड लगा करके यहाँ पर पढ़ाई करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑनलाइन टीचिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है ना, उसके चलते यहाँ पे फैसिलिटी दिखाई गई है। एक मैडम मोबाइल में पढ़ा रही हैं वीडियो, ऑनलाइन वीडियो में। ओके दोस्तों, आज इतनी इम्पोर्टेंट थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी न्यूज़ों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जैसे कोविड के चलते आप नीम लहसुन प्याज ऐसी मतलब आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें, ताकि आप कई जो इम्यूनिटी पावर रहे, इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। यदि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी तो आपको इन्फेक्शन में कोई डर ही नहीं रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो न्यूज थी दोस्तों, अपन ने काफ़ी न्यूज जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी हमने उनको डिस्कस कर लिया। फिर जो नेक्स्ट न्यूज दोस्तों और अपन बचती जो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो दोस्तों एक शूटिंग स्टार भी था इस बार के लेजेसी ऑफ फिल्म, सुशांत सिंह राजपूत पासे सभी। ठीक है, जो अपन ने फर्स्ट हेड में फर्स्ट पेज में डिस्कस किया था उनकी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी जो एज थी दोस्तों, ये थे मात्र 36 ईयर के। ठीक है, ये मात्र सोचिए आप 36 ईयर के थे। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, जो इनकी एक मैनेजर थी बॉस थी, उन्होंने 1 वीक पहले 7 डे पहले उन्होंने भी क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। अब किस लिए सुसाइड किया था उसके रीज़न का भी पता नहीं चल पाया। और कहा जा रहा है दोस्तों कि लास्ट 6 मंथ से ये डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार थे और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे थे। ठीक है, डिप्रेशन के इलाज करा रहे थे। पता नहीं क्यों डिप्रेशन में थे, क्योंकि देखिए आपने द धोनी अनटोल्ड स्टोरी आपने तो देखा होगा। ठीक है, उन्होंने उसमें मतलब कैसे उन्होंने इतनी अच्छी मोटिवेशनल मूवी बनाई कि अपन उन्होंने हमको सीख दी कि कभी भी इंसान को कभी हारना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी भी ज़िंदगी में इंसान को हारना नहीं चाहिए, अपनी जो अपनी रूपरेखा है उसको बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हार का नाम ज़िंदगी नहीं है, जीतने के नाम ज़िंदगी है। ठीक है, इतना अपनी मूवियों में इन्होंने जितना मोटिवेशनल दिया उसके बाद भी इन्होंने सुसाइड कर लिया। हम देखें दोस्तों तो जो हमारे इंडिया में अभी भी मतलब है, लास्ट 2016 से अपन देखें यदि, 2016 से जो जितने भी सुसाइड केस अपन यदि देखेंगे तो जो उनकी जो एज है तो कितनी है, 15 ईयर से लेकर के 29 ईयर। ठीक है, मैंने भी कल ही बताया था आपने कि एक आंटी थी, उनकी बेटी ने मोबाइल मांगा, मोबाइल नहीं दी तो उन्होंने जाके सुसाइड कर ली। ठीक है, और फिर यहाँ अपन देखेंगे तो 31 से 39। तो मतलब अभी की जो पीढ़ी जो है ना, तो उन पीढ़ी में मतलब ज़्यादा सहने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, ज़्यादा वो सोच नहीं पाते, यदि कुछ जैसे कोई भी उनको कोई भी एक दो बात भी बोल दे तो उनको बातें दिल से लगा लेते हैं। और क्योंकि देखो अब क्या गर्म खून है, जल्दी उबाल ले लेता है, और वो फिर कोई जब उनको बात समझ में नहीं आती तो वो सुसाइड कर लेते हैं। सभी बच्चों, मैं मेरा आपसे बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, कोई भी डिप्रेशन की शिकार हो, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, आप तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैं तो आपको, आप कितने भी निगेटिव हो, आप कोई भी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप तो मेरे यूट्यूब चैनल है गर्ग IAS PSC क्लासेस, ठीक है, इसमें आप जो है आप पूरा जा करके कमेंट कर दो वीडियो में। ठीक है, नहीं तो जैसे आप गर्ग IAS PSC क्लासेस में जाओगे तो आपके जो चैनल अबाउट में जाओगे तो अबाउट में मेरे तीनों लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अबाउट में जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले जो गर्ग आई आपने आप सर्च किए, ठीक है, कि गर्ग IAS PSC क्लासेस, वहाँ पे जब इसके बाद जब आप अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में मेरे तीन सेशन बने। ठीक है, एक बना है पहला तो मेरा FB का पेज वहीं पे बना है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे को मैसेज बना सकते हो, ऐप में मेरा पेज भी बना है, ग्रुप भी बना है, या फिर WhatsApp का हमारा ग्रुप है उसको आप जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो हमारा YouTube चैनल के लिंक भी उसी में पड़ी हुई है। ठीक है, FB का जो पेज है वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्ट वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे FB के पेज में। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी कॉन्टैक्ट करो दोस्तों, मैं तो आप ही लोगों के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि मैंने
अपना जीवन जो है अब आप बच्चों के लिए ही मैंने किया, पूरा समर्पित कर दिया है कि आप लोग को कुछ बना सकूं। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी बहुत हसीन है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। शास्त्र में लिखा है कि 100 जन्म जब हो जाते हैं, 100 योनियों को एक इंसान पार करता है, उसके बाद मनुष्य का जो जन्म होता है वह मिलता है। ठीक है, पहले व्यक्ति कोई कीड़ा बनता, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता, तो बहुत बड़ी मुश्किलों से और मिन्नतों से हमको इंसान का जीवन मिलता है। तो इस इंसान जीवन का आप लाभ उठाएं, अच्छे पूजा पाठ करें, ठीक है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें दोस्तों। कोई भी डिप्रेशन, क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाती है कि कभी कभी क्या, अपन कोई बातें जो रहती हैं तो शेयर नहीं कर पाते, घर में शेयर नहीं कर पाते, फ्रेंड से नहीं कर पाते। दोस्तों आप मुझसे जुड़ें, आप मुझसे शेयर करें, ठीक है, आप मुझे बड़ा भाई माने, दोस्त माने, जो भी आपको लगे वो माने, ठीक है, मुझसे जुड़े। आप डिप्रेशन, आप जो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप मेरे को प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें, ताकि आपकी भी स्थिति सुशांत जैसे ना हो, ठीक है। क्योंकि बताइए, 36 ईयर के हैं, 36 ईयर मतलब कोई ज़्यादा एज होती नहीं है, ठीक है, एक्टर थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है, फॉल फ्रेंड प्रॉब्लम अच्छी थी, पैसा रुपया सब था। तो दोस्तों पैसा रुपया होने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जो दिमाग जो है ना, दिमाग बहुत ज़्यादा यदि स्ट्रेस में होता है ना, तो हमको कुछ भी नहीं सोचता फिर, समझ रहे हैं बात को। इसलिए क्या है, आप अपने स्ट्रेस को भुलाएं, अच्छे से आप इन लोगों को समय दें, ठीक, टेंशन को फ्री होकर के अपने अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें। तो दोस्तों मेरी भी आज के करंट अफेयर की वीडियो कैसा लगा, ठीक है, इस पर वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आया हो तो इसको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और शेयर करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइबर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि दोस्तों आप ब्लैक बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो ये वीडियो जो है दोस्तों आपके मोबाइल में जो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करने से क्या रहेगा दोस्तों, और भी लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, फाइनेंशियल उनके पास प्रॉब्लम है, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर पाएँ वो, ठीक फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देख के आपको जैसा भी लगा तो अपने आप सुझाव कमेंट सेशन पे जरूर मेंशन करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।